मैं आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर अपने जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज बिजनौर जनपद में और अमरोहा जनपद में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी शामली से इसका शुभारंभ किए हैं और मैंने कुछ देर पहले अलीगढ़ में प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। अभी मैं बुलंदशहर जनपद में आया हूं और यहां प्रबुद्ध जनों के साथ एक सम्मेलन मैंने यहां पर किया है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान ये चुनाव हो रहे हैं। कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया में सबसे बेहतरीन है। कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन की कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग और बेहतरीन संवाद राज्यों के साथ। भारत सरकार ने खुले मन से हर राज्यों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई है और यही कारण है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाने में भारत दुनिया के अंदर एक सफल मॉडल खड़ा करने में दुनिया की सराहना भी प्राप्त कर रहा है। इसने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद प्रथम और द्वितीय लहर में मॉडल खड़ा करने और तीसरी लहर ओमिक्रॉन के दौरान भी उत्तर प्रदेश का मॉडल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। तीसरी लहर के दौरान जो नया वेरिएंट देखने को मिला है इसमें वायरस कमजोर पड़ा है। इसका कारण वैक्सीनेशन भी है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के जिनके कारण देश के अंदर 160 कोरोना वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश ने 24,54,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवाई है। एक बेहतरीन प्रयास हुआ है और उसका परिणाम है कि सेकेंड वेव के दौरान हम देख रहे थे कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी थी, लेकिन थर्ड वेव के दौरान आज ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा कर दिया गया है और हर एक जनपद में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दी जा चुकी है। हर गरीब को फ्री में राशन दिया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है। डबल डोज राशन की भी हर गरीब तक पहुंच रही है और इसी में हम देख सकते हैं कि 1% से भी कम पेशेंट हॉस्पिटल में हैं। अगर हम जनपद बुलंदशहर का देखेंगे तो बुलंदशहर में केवल 14 मरीज हॉस्पिटल में हैं, जबकि सक्रिय केस बुलंदशहर में 1908 हैं। यानी 1% से भी कम लोग हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पर सेकेंड वेव के दौरान 14 ऑक्सीजन प्लांट लगे थे जिसमें से 13 क्रियाशील हो चुके हैं। और अगर हम यहाँ पे वैक्सीन के देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 40,00,000 वैक्सीन के डोजेज अकेले जनपद बुलंदशहर में लगाई जा चुकी हैं, जिनमें से प्रथम डोज 92% लोगों को, सेकेंड डोज 58% लोगों को, 15 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 55% नवयुवकों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है और प्रिकॉशन डोज भी लगभग 13,000 जो सीनियर सिटीजन हैं,
जो कोमॉर्बिड हैं, पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, की डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। एक अच्छी दिशा में कोविड प्रबंधन का कार्यक्रम चल रहा है और इसकी भी मैंने समीक्षा हम लोग नियमित रूप से कर रहे हैं, जिससे हम एक और प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाना, क्योंकि हर नागरिक का जीवन हमारे लिए अमूल्य है, इसको बचाने का कार्यक्रम भी हो सके, लेकिन साथ साथ संवैधानिक प्रावधानों के तहत भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित चुनावों के कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ा सकें, तो उसमें भारत निर्वाचन आयोग उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहा है। मुझे केवल आज के दिन पर मैं आया हूं यहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं आप सबसे भी इस बारे में अपील करूंगा कि 2017 के पहले और 2017 के बाद प्रदेश में फर्क साफ महसूस होता है। 2017 के पहले प्रदेश अव्यवस्था, अराजकता और असुरक्षा का एक माहौल प्रदेश के अंदर था। 2017 के बाद प्रदेश की छवि बदली है। आज प्रदेश कानून का राज है, इस दिशा देश के अंदर एक नजीर के रूप में जाना जा रहा है। आपने देखा होगा पिछली सरकारों के समय, समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2012 में आई थी, उसने सरकार में आने के बाद जो पहला निर्णय लिया था, और श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का किया था। हमारी सरकार जब 2017 में आई थी, हमारी सरकार ने पहला निर्णय लिया और वह निर्णय था प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को बंद करने का, प्रदेश के अंदर बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को प्रभावी ढंग से लागू करने का, और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी का। ये फर्क साफ है, और ये फर्क जो उस समय सरकारों में दिख रहा था, पार्टियों में भी आज दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सूची आई है, 66% टिकट भारतीय जनता पार्टी की सूची में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति के प्रत्याशियों को प्राप्त हुए हैं। सामाजिक न्याय का मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने न सरकार के माध्यम से बल्कि अपने प्रत्याशियों के माध्यम से भी प्रस्तुत किया है। दूसरी तरफ वे पेशेवर दंगाई, पेशेवर अपराधी, पेशेवर हिस्ट्री सीटर, ये समाजवादी पार्टी की सोच के अनुरूप समाजवादी पार्टी की सूची की शोभा को भी बढ़ा रहे हैं। ये बताती है कि प्रदेश के बारे में उनकी सोच क्या है, और इसीलिए चाहे वह केराना हो, मुजफ्फरनगर हो, बुलंदशहर हो, सियाना हो, लोनी हो, या फिर सहारनपुर का वह दंगाई जिसने सिखों के खिलाफ 2014 में दंगा भड़काया था, इन सबको समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाने का। दूसरी सूची भी आप देखेंगे, ऐसा लगता ही नहीं कि समाजवादी पार्टी की सूची है या किसी ऐसे देश के अंदर चल रहे चुनाव में। आप देख लीजिए दूसरी सूची भी उनकी कैसी है, यानी वो प्रदेश के बारे में उनकी विघटनकारी और दंगाई और अराजकता की उस सोच को प्रदर्शित करने वाली है, जिसमें विकास नहीं बल्कि विनाश है, जिसमें शांति और सौहार्द नहीं बल्कि अराजकता और उदंडता है, जिसमें पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने की एक दुर्भिसंधि दिखती है। लेकिन प्रदेश की जनता जनार्दन ने ये वंशवादी, परिवारवादी, जातिवादी और विघटनकारी नकारात्मक ताकतों को 2014, 2017, 2019 में अपने वोट की कीमत से सबक सिखाया था। भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के मॉडल को अंगीकार किया, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 2022 विधानसभा चुनाव में भी प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को
राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा, हर एक की समृद्धि और प्रदेश के सर्वांगीण विकास से आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश को देश की नंबर एक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए प्रदेश की जनता को प्राप्त होगा, यही मुझे प्रदेश की जनता जनार्दन से अपील करनी थी। हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर विकास का एक मॉडल खड़ा किया। ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश थे जहां दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू रहता था। आज वहां पर सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण, आज वहां पर कावड़ यात्रा निकलती है, आज वहां दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनता है, आज सहारनपुर में माँ शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय बनता है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, बुलंदशहर में सरदेव कल्याण सिंह जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है, एटा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है, कासगंज में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, हर एक जनपद में मेडिकल कॉलेजेज की स्थापना की दिशा में प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर सहारनपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है, फिल्म सिटी का निर्माण, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, ये सभी आज प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। विकास के इस नए मॉडल के साथ उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, विकास, सुरक्षा और समृद्धि का यह मॉडल उत्तर प्रदेश एक बार फिर अंगीकार करेगा और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में अपना योगदान देगा। धन्यवाद जी। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।